शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आश्चर्य, अपार बल, पराक्रम और वैभव से संपन्न इस लंकेश रावण का व्यक्तित्व अनुपम है। जिसके सुगठित तन में अद्भुत शक्ति का संचय है, जो अद्वितीय तेज पुंज के समान दमकता, स्वयं महादेव के समान प्रतीत हो रहा है। कोई साधारण वानर नहीं, अवश्य कोई देवता है। दया और करुणा की प्रतिमूर्ति ये देवी सदैव अपने पति को दुष्कृतियों में लिप्त देखकर कितनी अपार वेदना का अनुभव करती होंगी। इनका हृदय फट पड़ता होगा ये जानकर कि वो दुष्ट इनका स्थान छीनकर एक पराई स्त्री को देना चाहता है। कैसी दिव्य शक्ति है इस वानर की, जिसने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। मेरे प्रिय पुत्र का सहारक है ये, परंतु फिर भी मेरे हृदय में इसके प्रति घृणा जागृत नहीं हो रही। इनकी सहनशीलता को नमन करता है हनुमान। अपने पति के कुकर्मों के कारण पुत्र खोने की असहनीय पीड़ा मिलने के बाद भी इन्होंने अपनी शालीनता और सौम्यता को नहीं छोड़ा। किसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं। इसकी माया से मोहित होकर भ्रमित नहीं हो सकता रावण। अवश्य वानर भेष में ये उस दुष्ट इंद्र का कोई भेदिया है। पुत्र मेघनाथ, तुमने इस मायावी वानर को बंदी बनाकर महान पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पुत्र देखो, सभी मेरे पुत्र की वीरता का प्रमाण देखो। जिस प्रकार एक निपुण आखेटक एक मदमस्त गज को अपने वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मेरे वंश के गौरव, मेरे प्रतापी पुत्र मेघनाथ ने वश में किया है इस उन्मत्त पशु को। उन्मत्त पशु, जय श्री राम। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव गिनाए। जो सत बार पाठ करे कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसी दास सदा वानर में इतना अधिक बल। राम लखन सीता, प्रभु श्री राम की भक्ति में बंधे इस राम दूत को अन्य किसी भी बंधन में बांधना असंभव है। मेरे प्रभु श्री राम के सिवा इस राम भक्त को अन्य कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। इस राम भक्त के समक्ष गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने वाला तुम्हारा ये मूर्ख कपटी पुत्र मेघनाथ तो कदापि नहीं। सर्वशक्तिमान देवता भी मुझे अपने दिव्य अस्त्रों से बांधने में अक्षम हैं, तो तुम राक्षसों में इतना सामर्थ्य कहां। तुमसे भेंट करने के लिए स्वेच्छा से मैंने ब्रह्मास्त्र के पाश को अपने ऊपर धारण किया, परंतु जैसे ही तुम्हारे इन मूर्ख राक्षस योद्धाओं ने मुझे रस्सियों से बांधा, मैं ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त भी हो गया।
राम काज को पूर्ण करने के लिए मैं स्वेच्छा से तुमसे मिलने आया हूँ लंकेश, इसलिए रामदूत जानकर मुझे मेरा आसन दो, जिससे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर सकूं लंकेश, और जिससे तुम्हारा और संपूर्ण राक्षस कुल का कल्याण हो सके। तुम सद्बुद्धि दोगे मुझे? समस्त वेदों का ज्ञान जिसके 10 शीशों में संचित है, उस महाज्ञानी महापंडित लंकेश रावण को सीख दोगे तुम? मेरी राज्यसभा में बैठने का अधिकार मांगने वाले, तुम तो मेरे समक्ष खड़े होने की योग्यता भी नहीं रखते, तुच्छ वानर। तुच्छ वानर। सखा विस्तार की पूछा, आसनता से बना लिए ऊंचा। रामदूत को तुमने आसन नहीं दिया लंकेश, और मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया, किंतु ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं था, इसीलिए मैंने स्वयं अपने आसन का निर्माण कर लिया। तो कहो, अब तो मैं तुमसे वार्तालाप करने के योग्य हो गया ना? आसन के योग्य वो होता है जिसे सामने से आसन दिया जाए। ऐसी तुच्छ मायावी क्रीड़ा तो लंका के प्रहरी भी कर लेते हैं। इस प्रकार तुम लंका की राज्यसभा में आदर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तब भी मेरे लिए एक तुच्छ वानर थे और अब भी तुच्छ वानर ही हो।